ओम गण गणपते नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रथम दिन है नवरात्रि का। जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री हिमालयन की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री यानी शैल जी की पुत्री कहलाती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। इसका मतलब ये एक तरफ स्ट्रांगनेस का या संहार का सूचक भी करती है, बट एक तरफ धन वैभव शक्ति सौहार्द शांति सबका परिचय देती है। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारे अंदर भी मानसिक और शारीरिक तौर पे एक तरफ स्ट्रांगनेस आती है और दूसरी तरफ सॉफ्टनेस आती है। यानी कि ज़िंदगी में जैसी सिचुएशन आती है हम वैसे बिहेव करने लगते हैं। इनका आशीर्वाद प्राप्त करके ज़िंदगी को एक बैलेंस वे से हम निकाल सकते हैं। जो लोग 9 days का फास्ट रखते हैं उन्हें प्रथम दिन माता शैलपुत्री का आवाहन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम भी ज़िंदगी में इसी तरीके से बैलेंस वे में और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ें। जो लोग पर डे के हिसाब से पूजा करते हैं वो चाहें तो एक चौकी लें, उस चौकी पर ऊपर जो है लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर माता शैलपुत्री की फ़ोटो रखें या उनका स्वरूप रखें, उसके ऊपर फूल इत्र वगैरह चढ़ाएं और उनका आवाहन करें। आप चाहें तो एक फास्ट का एक नया तरीका भी अपना सकते हैं। जो लोग 9 days प्रॉपर फास्ट नहीं रखना चाहते वो चाहे तो 21,000 51,000 31,000 जैसी उनकी इच्छा हो उतने का संकल्प ले सकते हैं और कोई भी एक मंत्र चाहे तो सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वदा शादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे किसी भी एक मंत्र का जाप उठा ले और एक नंबर सोच ले और पर डे उसको जो है कट शॉर्ट करते हुए कि इतनी माला का जाप हम पर डे करेंगे करते हुए उस नंबर को अचीव करें। ऐसा करने से मन वांछित फल भी प्राप्त किया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर इच्छा प्राप्ति के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। आशा करती हूँ माता रानी का आशीर्वाद इन 9 दिनों में आप में बरसे, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिवप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी।